वेल, एक और ट्यूसडे आ गया है और आज एक बार फिर से हमारे साथ हैं कोच एंड ऑथर शिशिर वर्मा, जिनकी बुक ब्लैक और व्हाइट द मनी फर्स्ट जनरेशन अभी अभी आई है ताजी ताजी, और इससे कॉर्पोरेट लाइफ के बड़े सारे पहलुओं के बारे में बात हो रही है, बट जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है वो है गुड मॉर्निंग एंड वंदे मातरम शिशिर। गुड मॉर्निंग और वंदे मातरम आपको भी और सभी दर्शकों को जो सुन रहे हैं। तो पिछली बार आपने हमें बताया था 10 किस्म के मैनेजर्स के बारे में, इस बार मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि इम्प्लॉयज की भी तो किस्में होती होंगी, तो वो क्या है? ओके, मैं पहले आपको बैकग्राउंड बताना चाहता हूँ। इसका ना हमारी सिविलाइजेशन या सभ्यता या संस्कृति से बहुत जुड़ा हुआ है। तो 2000 ईयर्स से जो हमारी एक एजुकेशन थी जिसमें हमारे 18 सब्जेक्ट पढ़ते थे, लेकिन जिसमें से 1835 में अपने इंडियन एजुकेशन एक्ट तक आया ना, उस दिन से हमारी एजुकेशन बिल्कुल बदल गई है। तो आज जो भी हम नौकरी करते हैं ये अंग्रेजों ने जो अपने एडमिनिस्ट्रेशन दे रखे थे उसके कारण करते हैं। एक और इम्पोर्टेंट बात बताऊंगा कि पहले जो है ना हमारे करीब 2000 साल से हमारे पास सबसे हमारी लैंग्वेज फर्स्ट लैंग्वेज है वो हमारी संस्कृत थी। तो हमें वो सब शास्त्र सिखाते थे और शस्त्र और शौर्य भी सिखाते थे। जब हम तीनों चीजें सीखते थे तो उसके बाद हमारा डेवलपमेंट ऑलराउंड होता था। तो जो आज हम आपसे इम्प्लॉइज के रूप में बात करने वाले हैं, जो हम 5 इम्प्लॉइज के बारे में बात कर रहे हैं, उसका बैकग्राउंड बहुत समझना जरूरी है कि हमने धीरे धीरे करके एंटरप्रेन्योरशिप छोड़कर हम धीरे धीरे करके नौकरों वालों को बनाना स्टार्ट कर दिया। तो हमारी जो क्रिएटिविटी है वो धीरे धीरे कम होती गई। रीजन क्या हुआ कि 60-70% आज जो हमारे लोग काम करते हैं वो 3 आवर्स से ज्यादा काम नहीं करते। इनमें काम चोरी जो है वो हमारे डीएनए में आ गई है। जो 20% लोग हैं वही लोग काम करते हैं और 80% जो है वो काम दिखाते हैं। एंड बेस्ड ऑन दिस एनालिसिस शिशिर के हिसाब से वो 5 किस्म के इम्प्लॉइज कौन से हैं, उनके बारे में बस हम थोड़ी सी देर में बात करने वाले हैं। आप सुन रहे हैं दिल्ली का कूलेस्ट रेडियो स्टेशन 107.2 FM, रेडियो नशा, फिर वही दीवानगी।